CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला गुड्डू और उसके दोस्त। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम लंच ब्रेक। अरे भाई, अच्छा हुआ कि लंच हो गया, क्योंकि आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कम से कम अभी तो खा सकता हूँ। पिंकी, आज तुम खाने में क्या लेके आई हो? लतिका, आज मैं सैंडविच लेके आई हूँ। सच्ची? हाँ। और आज मैं अपने फेवरेट आलू के पराठे लेके आई हूँ। खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। लो, लंच ब्रेक शुरू हुआ नहीं और आदि के सर पे टिफिन खोलने का भूत सवार हो गया। भूत कहाँ है? इतना तो इजी है, इसे ऐसे लिया, घुमाया और खुल गया। थैंक्स दोस्त। मगर गुड्डू, यह कौन सा भूत है जो आदि के सर पर लंच ब्रेक में सवार हो जाता है? अरे मिट्टू, कोई भूत नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं? भूत सवार होना तो एक मुहावरा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लतिका, और इस मुहावरे का मतलब है किसी काम को करने की जिद पकड़ लेना। मैं अभी भी नहीं समझा। ओहो मिट्टू, तुम्हें समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन? मगर बीन तो सपेरा बजाता है ना, वो भी सांप के आगे। मिट्टू, ओहो मैं तो मजाक कर रहा था, अब मैं समझ गया कि ये भी एक मुहावरा ही है। मैं ना मैं स्मार्ट हूँ। देखो मिट्टू तो अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा है। अरे वाह लतिका, अपने मुंह मियां मिट्टू होना ये भी एक मुहावरा ही है। अच्छा यूज किया तुमने इस मुहावरे का। गुड्डू, हिंदी के सिलेबस में मुहावरे तो थे, मगर मुझे ठीक से समझ में नहीं आए। तू क्लास में घोड़े बेच के तो सोया रहता है। अरे पिंकी, मैंने कोई घोड़े वोड़े नहीं बेचे। उफ़ आदि, पिंकी ने तुमसे अपनी बात मुहावरे में कही है। घोड़े बेच कर सोना यानी लापरवाह हो जाना। ठीक समझाया तुमने लतिका। अच्छा आदि, अब समझो, मुहावरे ऐसे वाक्य होते हैं जो किसी बात की ओर इशारा करते हैं, इनका अकेले खुद का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आसमान छूना, तो इसका कोई क्या मतलब निकाल सकता है? कोई भला आसमान भी छू सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लतिका ने आसमान छू लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि लतिका ने सफलता हासिल की। आदि, मुहावरे पहचानने का एक और तरीका भी है, इनके अंत में अक्सर ना आता है, जैसे ना को चने चबा ना, उंगली पर नचा ना, मुंह फुलाना, सबके अंत में ना आया ना आदि। अरे पिंकी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लंच ब्रेक में हिंदी की क्लासेस शुरू हो गई है। मगर तुम्हारे समझाने से मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए। अब लंच करें, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। गुड्डू, तेरा टिफिन नजर नहीं आ रहा, लगता है दाल में कुछ काला है। ये रहा मेरा टिफिन, आज तो मम्मी ने काली मसूर की दाल बना के दी है। अरे आदि, दाल में काला नहीं, आज तो पूरी दाल ही काली है। लंच ब्रेक, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। बाल कलाकार गौतम, वरुण, श्रेया, तृप्ता, अर्जुन, अभिनव और ईशान। ध्वनि अंकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। आलेख, निर्माण, निर्देशन एवं ध्वनि संपादन मयंक थपलियाल, तथा प्रस्तुति CIET NCERT।